इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम का आधार संकलन है। विश्वसनीयता के लिए संदर्भ ग्रंथ का संपर्क करें। नमस्कार, आइए, स्वागत है आपका लोकप्रिय कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में। आए, देखें, सुने, सोचे, समझे और मनन करें क्या कुछ हुआ आज के दिन इतिहास के पन्नों में। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। दिनांक 19 जुलाई सन 1938 में वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर इनका जन्म हुआ। सन 1860 में भारत में इनकम टैक्स कायदा लागू किया गया। सन 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में किया गया। सन 1974 में क्रांतिवीर उधम सिंह इनकी अस्थियां भारत में लाई गई। सन 1978 में नृत्य गुरु लच्छू महाराज इनका निधन हुआ। सन 1930 में दाजी साहब पटवर्धन अमरावती की जेल से मुक्त किए गए। सन 1876 में तक्षशिला और मोहनजोदड़ो इनके शोधक सर मार्शल ह्यूबर्ट इनका जन्म हुआ। सन 1891 में भारत में बाल विवाह कानून लागू किया गया। सन 1921 में महात्मा गांधी इनका अमरावती में आगमन हुआ। सन 1940 में आज़ाद हिंद सेना ने पूर्वोत्तर राज्य में अपना झंडा फहराया। सन 1943 में अमरावती कालापानी जेल से वी गिरी इन्हें रिहा किया गया, जो पश्चात राष्ट्रपति बने। सन 1972 में भारत व बांग्लादेश इनके बीच मैत्री करार हुआ। सन 1984 में तनुश्री दत्ता ये मिस इंडिया बनी। सन 1990 में पूर्व और पश्चिम जर्मनी इनका एकत्रीकरण करने के लिए मतदान हुआ। सन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ये भारत के प्रधानमंत्री बने। सन 1788 में गुलाम कादिर ने बादशाह शाह आलम को हराया। सन 1997 में दिग्दर्शक शंभू मित्रा इनका निधन हुआ। सन 1296 में खिलजी ये दिल्ली का सुल्तान बना। सन 1763 में अंग्रेजों ने कटवा में मीर कासिम को हराया। सन 1745 में पेशवाई घोड़दल इनके प्रमुख राणोजी सिंधे इनका निधन हुआ। सन 1827 में क्रांतिवीर मंगल पांडे इनका जन्म हुआ। सन 2018 में गीतकार गोपाल दास नीरज इनका निधन हुआ। ईस्वी सन पूर्व 64 में रोम में आग लगी जो 6 दिनों तक चली, जिसमें जलकर सारा रोम नष्ट हो गया। सन 1899 में बालचंद्रन मुखोपाध्याय इनका जन्म हुआ। सन 1814 में सैमुअल कोल्ट जिन्होंने कोल्ट रिवॉल्वर बनाई थी इनका जन्म हुआ। सन 1900 में फ्रांस में पहली बार मेट्रो रेल चली। सन 2015 में आज ही के दिन अमरावती में राजापेट में श्रमिक पत्रकार भवन स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया।